हे गाइस, दिस इज पीट डैगर एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट शो जिसका नाम है नो योर यूनिवर्स। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम लोग मार्वल यूनिवर्स की जो है अलग अलग कॉस्मिक मिस्ट्रीज और अलग अलग आर्टिफैक्ट और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है हम वीडियोस कवर करते हैं। ये सीरीज बेसिकली हमारी जो है मार्वल कॉमिक्स की सारी अलग अलग मिस्ट्रीज और जो स्पीसीज और जो वेपन्स प्रोग्राम्स वगैरह सब चल रहे हैं, जो मिस्टिकल फोर्सेज हैं, उन सबको कवर करने के लिए हमने बनाई है। इससे पहले हम नो योर यूनिवर्स के अंदर इटर्नल्स, क्री, स्क्रल, फीनिक्स फोर्स, गैलेक्टर्स, बियॉन्डर्स, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और इस तरह की दूसरी चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं। तो जैसा कि आज के टाइटल और थंबनेल को देख के आप समझ ही होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मार्वल की मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बींग लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर होने वाली है। लिविंग ट्राइब्यूनल को जो है सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज के ऊपर माना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जो है एक अलग ही और यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिसके लिए हम व्यूवर्स तरस जाते हैं। तो आखिरकार लिविंग ट्राइब्यूनल कौन है, वो कहाँ से आया है, वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और ऐसे कौन कौन से बीइंग हैं जो कि इस खतरनाक बीइंग को जो है हरा भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों के जवाब ढूंढेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के अपनी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिविंग ट्रिब्यूनल के फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो लिविंग ट्रिब्यूनल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था स्ट्रेंज टेल्स नंबर 157 के अंदर, जो कि जून 1967 के अंदर पब्लिश किया गया था। और लिविंग ट्रिब्यूनल को जो क्रिएट किया था वो स्टैनली सर, मैरी सेवरिन एंड हर ट्राइम्पी ने जो है इनको क्रिएट किया था। तो लिविंग ट्रिब्यूनल बेसिकली मार्वल की उन क्रिएशंस में से है जिनको एज एक्सपेरिमेंट पहले क्रिएट किया गया था, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिस टाइम पे एक लिविंग ट्रिब्यूनल को इंट्रोड्यूस किया गया था और जिस कॉमिक्स के अंदर किया गया था उसका नाम था स्ट्रेंज टेल्स। और स्ट्रेंज टेल्स बेसिकली मार्वल कॉमिक्स का उस वक्त एक ऑन गोइंग सीरीज थी, जिसको आपको नाम देख के लग रहा होगा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक है। तो हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की ही कॉमिक्स है, लेकिन स्ट्रेंज टेल बेसिकली मार्वल की एक ऐसी कॉमिक बुक सीरीज थी जिसके अंदर वो अपने नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी करवाया करता था और मोस्टली इसमें कॉस्मिक और मिस्टिकल कैरेक्टर्स हुआ करते थे। तो ये कॉमिक बुक जो है 1960s के दौर में बहुत ज़्यादा फेमस थी मार्वल की, क्योंकि इसी के जरिए मार्वल हमें नए नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाता ही रहता था। तो इन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया गया था लिविंग ट्राइब्यूनल का, जिससे सबसे पहले हमें जो है डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स में ही दिखाया गया था। अब लिविंग ट्राइब्यूनल की अगर पावर्स के बारे में बताया जाए तो ये बताया जाता है कॉमिक्स में कि ये एक वास्टली पावरफुल और कॉन्सेप्चुअल बीइंग है, और ये बीइंग तब से ही एग्जिस्ट करती है जब से ये पूरी की पूरी मल्टीवर्स कायम हुई है। मतलब इस यूनिवर्स के बनने के साथ ही जो सबसे पहली बीइंग थी वो लिविंग ट्राइब्यूनल था, और ऐसा भी माना जाता है कि जब यूनिवर्स क्रिएट भी नहीं हुई थी तो तब भी लिविंग ट्राइब्यूनल मौजूद था। लिविंग ट्राइब्यूनल जो है कॉस्मिक हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा जितनी भी कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं, चाहे वो इटर्निटी हो, इन्फिनिटी हो, डेथ हो, ऑब्लिवियन हो और इस तरह की और भी दूसरी एंटिटीज़ जैसे गैलेक्टस वगैरह हैं, वो सब लिविंग ट्राइब्यूनल के नीचे मानी जाती हैं। लिविंग ट्राइब्यूनल इन सब के ऊपर है और वो सिर्फ एक ही शख्स को जवाब देता है जिसका नाम है वन अबव ऑल। वन अबव ऑल कौन है, आप समझ सकते हैं कि बेसिकली मार्वल यूनिवर्स जिसने क्रिएट करी है वो वन अबव ऑल है। अब वन अबव ऑल के बारे में भी हम फ्यूचर में एक वीडियो बना के कवर करेंगे जिसके अंदर हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि मार्वल में वन अबव ऑल से ऊपर और कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसका नाम ही वन अबव ऑल हो तो उससे ऊपर और कोई कैसे हो सकता है। अभी अगर हम लिविंग ट्राइब्यूनल के इंटरेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एक कॉन्सेप्चुअल बीइंग है, मतलब वो कोई फिजिकली बीइंग नहीं है बल्कि उसका एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स के अंदर। और जब वो लोगों के सामने अपीयर होता है तो वो एक जायंट गोल्डन ह्यूमनॉइड फॉर्म में अपीयर होता है। और मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी कॉस्मिक एंटिटीज होती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, उनकी अपनी कोई जो है फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल बीइंग्स कहलाते हैं। इनको फिजिकल फॉर्म में आने के लिए एक डायमेंशन के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसका एक रूलर है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है, ना ही हमें मार्वल में बताया गया है, जिसका नाम है एंथोपोमोर्फो। और बताया जाता है कि ये जो है उस डायमेंशन का रूलर है और इसी के जरिए कॉस्मिक एंटिटीज पहले इस डायमेंशन के अंदर जाके ट्रैवल करती हैं और उसके बाद वहाँ से जो है उनको एक मैनिफेस्टेशन मिलती है हमारे डायमेंशन में अपीयर होने के लिए। तो कॉस्मिक एंटिटीज जितनी भी हैं उनको पहले इस डायमेंशन में जाना पड़ता है ताकि वो एक फिजिकल फॉर्म ले सकें और हमारे सामने आ सकें। तो इसी तरह सारी के सारी कॉस्मिक एंटिटीज आज हमें जिस तरह से दिखती हैं कॉमिक्स में उनको ड्रॉ किया जाता है, तो बेसिकली वो सिर्फ हमारे जो है माइंड और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करती हैं। और इसी तरह लिविंग ट्राइब्यूनल भी जो है एक जायंट ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर आता है हमारे सामने। अब अगर हम इसके अपीयरेंस के ऊपर और ज़्यादा बात करें तो हमें पता है कि इसके तीन फेसेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, और ये तीनों फेसेस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका फेस आधा ढका हुआ है उसको बताया जाता है कि वो वेंजेंस है, जो फेस इसका पूरा ढका हुआ है उसको नेसेसिटी बताया जाता है, और जो फेस हमें नज़र आ रहा होता है जिसके जरिए वो हमसे बातें करता है उसको फेस को बताया जाता है कि वो इक्विटी के लिए है। अब बताया ऐसा जाता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल का एक चौथा फेस भी है जो कि इन सारे फेस के पीछे है, लेकिन आज तक हमें वो दिखाई नहीं गया है। और ये भी बताया जाता है कॉमिक्स के अंदर कि दरअसल वो चौथा फेस जो है
वो एक एनिग्मेटिक एंटिटी स्ट्रेंजर के अंदर बदल गया है, जो कि स्ट्रेंजर खुद मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक कॉस्मिक एंटिटी है। तो बताया जाता है कि ये कॉस्मिक एंटिटी स्ट्रेंजर जो है वो दरअसल लिविंग ट्राइब्यूनल का चौथा फेस ही है, जिसने अपनी जो है अलग ही एक फॉर्म ले ली है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिविंग ट्राइब्यूनल के तीन फेसेस हैं जो कि तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीन चीज़ें जो रिप्रेजेंट हो रही हैं वो दरअसल एक एक कॉस्मिक एंटिटीज़ को रेफर की जा रही हैं। तो चलिए मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मेन यूनिवर्स के अंदर हम मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है वो गैलेक्टस रिप्रेजेंट कर रहा है, नेसेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इटर्निटी प्रेजेंट कर रहा है, और वेंजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो डेथ जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्विटी का मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर एक बैलेंस कायम रहना चाहिए, सबको हर चीज़ बराबर मिलनी चाहिए, और गैलेक्टस का अगर आप गौर करें तो बिल्कुल यही काम है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गैलेक्टस जो वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, उनको खाता है, तो आप पूछेंगे कि इसमें बैलेंस वाली कौन सी बात है, बल्कि ये तो ईविल काम हुआ। तो चलिए मैं इसके पीछे की लॉजिक आपको दे देता हूँ। तो दरअसल गैलेक्टस प्लैनेट्स को ख़त्म इसीलिए करता है और उनको खाता इसीलिए है क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेलेस्टियल ने अपने एग्स छोड़ दिए होते हैं बच्चे, और जब वो एग बड़ा होता है तो उस प्लैनेट को ख़त्म करके उसके अंदर से सेलेस्टियल पैदा होता है। तो इसलिए गैलेक्टस उन सारे के सारे प्लैनेट्स को ख़त्म कर देता है जिनके अंदर सेलेस्टियल एग्स होते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि सेलेस्टियल्स के इस तरह से एग की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस यूनिवर्स में बढ़ जाएगी और वो पूरा का पूरा कॉस्मिक बैलेंस बिगाड़ देगी। तो गैलेक्टस प्लैनेट्स को इसीलिए खाता है, उनको ख़त्म करता है ताकि सेलेस्टियल्स की जो पॉपुलेशन है उनको चेक में रखा जाए। और दूसरी तरफ अगर हम नेसेसिटी की बात करें जो कि इटर्निटी है, तो नेसेसिटी का मतलब है कि ज़रूरत, और इटर्निटी जो बीइंग है वो दरअसल टाइम और स्पेस को रिप्रेजेंट करती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। जितना भी स्पेस हम देखते हैं, जितना भी यूनिवर्सेस हम देख रहे हैं, वो सारी इटर्निटी ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ज़रूरत है। और रही बात वेंजेंस की, यानी कि बदले की, तो वो डेथ है। जब भी लिविंग ट्राइब्यूनल को अगर किसी से बदला देना होता है तो डेथ उसको मार देती है, और इस तरह लिविंग ट्राइब्यूनल अपना बदला ले लेता है। इसी के साथ ही जो सारी बींग्स जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, चाहे वो इटर्निटी हो, इन्फिनिटी हो, डेथ हो, ऑब्लिवियन हो, इयोन हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो, ये सब जो है लिविंग ट्राइब्यूनल को जवाब देते हैं, और लिविंग ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी इन सब के ऊपर चलती है। लिविंग ट्राइब्यूनल की सबसे बड़ी बात जो कि इसको इन सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ के ऊपर लेकर आती है और इनसे अलग करती है, वो ये है कि लिविंग ट्राइब्यूनल एक मल्टीवर्सल बींग है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक यूनिवर्स के अंदर इटर्निटी उसकी अपनी अलग होती है, हर यूनिवर्स के अंदर उसकी अपनी डेथ होती है, हर यूनिवर्स के अंदर उसका अपना गैलेक्टस होता है, लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीवर्सल है। पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ एक ही लिविंग ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट करता है, और वो सारी की सारी मल्टीवर्सेस को अकेले ही जज करता है। लिविंग ट्राइब्यूनल जो है दरअसल वन अबव ऑल का एजेंट है, और उसका काम यह है कि यूनिवर्स को जज करना। जब भी यूनिवर्स के अंदर कुछ गलत हो रहा होता है या कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए, तो लिविंग ट्राइब्यूनल तभी सामने आता है और अपना फैसला सुनाता है। और लिविंग ट्राइब्यूनल का फैसला ऐसा है कि वो बड़े से बड़े कॉस्मिक एंटिटीज़ को भी मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है कि वो उनको मनवाने पर मजबूर कर सकता है। लिविंग ट्राइब्यूनल दरअसल अपने बेस के अंदर ऑपरेट करता है, जिसको स्टार चैम्बर कहा जाता है, और वहाँ पे कुछ लेसर क्रिएचर्स भी उसको सर्व करते हैं जिनको मैजिस्ट्राती कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल की खिदमत करते हैं। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को बेसिकली आप मार्वल यूनिवर्स का जज भी कह सकते हैं। लिविंग ट्राइब्यूनल जो है किसी भी पर्सनल मोटिवेशन या डिज़ायर का मालिक नहीं है, उसके अंदर अपनी कोई डिज़ायर्स नहीं होती, अपनी कोई चाहत नहीं होती है, बल्कि जो ऑर्डर उसको वन अबव ऑल ने दिया है वो सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए अपने फैसले सुनाता है। तो इसलिए अगर लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे उसको लाखों लोगों को मारना पड़े और करोड़ों को बचाना पड़े, तो वो उन लाखों लोगों को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको यूनिवर्स के अंदर बैलेंस मेंटेन करना है, अब चाहे उसके लिए कितनी भी जान उसको कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, तो वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे ह्यूमन बींग्स होते हैं या एलियंस होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, और इसीलिए वो इस तरह के बड़े फैसले नहीं कर पाते हैं। नेचर ऑफ वर्क, तो हम लिविंग ट्राइब्यूनल के नेचर के ऊपर बात कर रहे थे कि वो कब कब और कैसे कैसे काम करता है। तो लिविंग ट्राइब्यूनल की अगर हम सही से काम की बात करें, तो आज तक मार्वल कॉमिक्स में हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि लिविंग ट्राइब्यूनल कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। बस लिविंग ट्राइब्यूनल को एक तरह का प्लॉट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का गेस्ट अपीयरेंस दिया जाता है जिससे कॉमिक्स रीडर्स का हाइप बढ़ सके, मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन जितने भी अपीयरेंस मैंने आज तक देखे हैं लिविंग ट्राइब्यूनल के, और जो चीज़ें मुझे समझ में आई उसके मुताबिक, लिविंग ट्राइब्यूनल जो है कभी भी पावर के खिलाफ नहीं खड़ा होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमें मिलता है इन्फिनिटी गॉलनेट वाली स्टोरी लाइन के अंदर, जब थैनोस ने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा कर लिया था, और तब जाके एडम वॉर्डलॉग और सिल्वर सर्फर सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ के साथ मिलके लिविंग ट्राइब्यूनल से एक मीटिंग सेट करते हैं, ताकि उनको ये बता सकें कि थैनोस इस तरह की पावर इस्तेमाल कर रहा है जो कि यूनिवर्स को बर्बाद कर सकती है। लेकिन उस वक्त जो है लिविंग ट्राइब्यूनल ने वहाँ पे थैनोस को रोकने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक उसने इन्फिनिटी जेम्स का इस्तेमाल करा है और उसके जरिए उसको ये सारी की सारी पावर्स मिल रही हैं, और जो पावर इस यूनिवर्स के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है उसके खिलाफ लिविंग ट्राइब्यूनल कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, बल्कि उसके हिसाब से ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें चल रही हैं, इसमें कोई भी अननेचुरल चीज़ नहीं है जिसको वो रोके। लेकिन अगर यहीं पे जो है थैनोस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता और वो मिस्टिकल वे से अपनी पावर्स को एनहेंस करके यूनिवर्स को बर्बाद कर रहा होता, तो तब जाके लिविंग ट्राइब्यूनल इंटरफियर जरूर करता।
तो बेसिकली लिविंग ट्राइब्यूनल सिर्फ तभी आपके पास आके इंटरफियर आपको करेगा जब आप मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कोई बहुत बड़ा और गलत काम कर रहे हो, क्योंकि मैजिक को चेक में रखने के लिए ही लिविंग ट्राइब्यूनल को बेसिकली बनाया गया है। अगर आप पावर का इस्तेमाल करके यूनिवर्स को बर्बाद कर रहे हैं तो लिविंग ट्राइब्यूनल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास इस तरह की इन्फिनाइट मल्टीवर्सेस हैं जिसके ऊपर उसको नजर रखनी है। अगर एक यूनिवर्स खत्म भी हो जाए उसके लिए तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी यूनिवर्स को मैजिक के जरिए बर्बाद कर रहे हो तो यहाँ पे एक कॉस्मिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, और तब जाके लिविंग ट्राइब्यूनल जज करेगा और इसको इंसान को रोकने के लिए हर वो कोशिश करेगा जो उससे मुमकिन हो सके। लेकिन अगर हम इसी इन्फिनिटी गॉन्ट वाली स्टोरी लाइन पर आए तो हमने यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल को देखा था जब थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्ट ले लिया जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसके बाद एडम वॉर्लॉक के पास इन्फिनिटी गॉन्ट आ जाता है और तब जाके लिविंग ट्राइब्यूनल इस बात का ऑर्डर देता है कि इन जेम्स को अब कभी भी कोई एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये जेम्स अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन इनको एक साथ नहीं किया जा सकता है। और एडम वॉर्लॉक ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करी थी लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल ने क्योंकि अपनी जजमेंट सुना दी थी तो वो स्टोन्स एक साथ इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ से जो है आप लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उसने इन्फिनिटी जेम्स को एक साथ काम करने से रोक दिया। अब ये वो इन्फिनिटी जेम्स है जिसकी एक चुटकी में आधी यूनिवर्स खत्म की जा सकती है, और लिविंग ट्राइब्यूनल ने सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट पास करते ही उन जेम्स को काम करने से बंद कर दिया। पावर्स एंड एबिलिटीज, तो जैसा कि हम लिविंग ट्राइब्यूनल के पावर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम उसके यहाँ पे कुछ बड़े फीट्स के ऊपर नजर डाल देते हैं जो कि आज तक उसने कॉमिक्स के अंदर किए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कॉस्मिक फीट है वो ये है लिविंग ट्राइब्यूनल का कि उसने इन्फिनिटी गॉन्ट को एक साथ काम करने से रोक दिया था। थैनोस के हाथ में जब इन्फिनिटी गॉन्ट था तो उसने बताया था कि मार्वल मल्टीवर्स के अंदर लिविंग ट्राइब्यूनल सबसे ज्यादा पावरफुल बींग है, और इस वक्त इसके पास इन्फिनिटी गॉन्ट हाथ में मौजूद था तब इसने ये स्टेटमेंट दी थी। इसके अलावा अगर हम एक बींग की बात करें जिसका नाम प्रोटोजे है, जो कि हमारी अर्थ नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट अर्थ पर से आया है, तो उस बींग के पास बेसिकली ये पावर थी कि वो जिस किसी को भी पावर इस्तेमाल करते हुए देखता था तो वो उसकी पावर्स कॉपी कर लेता था सेम एग्जैक्टली। और ये बींग इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि इसने सारे के सारे सेलेस्टियल्स, कॉस्मिक एंटिटीज, इटर्निटी, इन्फिनिटी, उन सबकी पावर अपने अंदर कॉपी कर ली थी। और इन दी एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि इसने लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स को भी कॉपी कर लिया था और उसके बराबर आ गया था। लेकिन तब जाके स्कैथन द अप्रूवर जो सेलेस्टियल है उसने उसको जो इस रियलिटी के अगेंस्ट जज किया था, और तब जाके लिविंग ट्राइब्यूनल ने प्रोटोजे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। लिविंग ट्राइब्यूनल को पूरी की पूरी मार्वल मल्टीवर्स की एम्बॉडीमेंट कहा जाता है। इस पूरी की पूरी मार्वल मल्टीवर्स के अंदर जितनी भी लाइफ है उसका सम टोटल लिविंग ट्राइब्यूनल है। इसके अलावा जब सिल्वर सर्फर सबसे पहली बार लिविंग ट्राइब्यूनल से मिला था तो वो गैलेक्टस के खिलाफ खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल ने उसको गैलेक्टस का मकसद समझाया और लिविंग ट्राइब्यूनल ने सिल्वर सर्फर को अपनी गॉडली पावर से इनहेंस भी किया था, जो कि इतनी ज्यादा थी कि सिल्वर सर्फर उन पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो एक गॉड से भी बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे चले गया था। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल बीइंग जो कि इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स का जज माना जाता है, जो कि अपनी एक स्टेटमेंट से इन्फिनिटी जेम्स को काम करने से रोक सकता है, उसकी भी कुछ वीकनेसेस हैं। हमने देखा है मार्वल कॉमिक्स के अंदर के जब जो है सारी की सारी यूनिवर्सेस खत्म हो रही होती हैं एवेंजर्स के एक स्टोरी आर्क टाइम रन्स आउट के अंदर, तो येलो जैकेट मल्टीवर्स के अंदर घूम रहा होता है ये देखने के लिए कि इसकी क्या वजह है, और तब जाके उसको पता चलता है कि दरअसल यूनिवर्स के अंदर जो बियॉन्डर्स हैं, जो एक रेस है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उन्होंने जो है यूनिवर्सेस को खत्म करने का सोचा हुआ है और वो वहाँ पे सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज को मार देते हैं, और यहाँ तक के तीन बियॉन्डर्स मिलकर जो है वो लिविंग ट्राइब्यूनल को भी मार देते हैं। इससे पहले तक हम लिविंग ट्राइब्यूनल को सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग समझते थे कॉमिक्स के अंदर, लेकिन जब जोनाथन हिकमैन ने हमारे साथ ये कॉमिक बुक शेयर करा तो अब हम इस बात पे बहस कर सकते हैं कि बियॉन्डर्स जो हैं वो लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और बियॉन्डर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूं जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह जब लिविंग ट्राइब्यूनल की मौत हुई तो उसकी बॉडी को जो है वॉचर ने आयरन मैन के साथ जाके चेक करा मून के ऊपर, और इस वक्त हमें बताया जा रहा था वॉचर के जरिए कि ये लिविंग ट्राइब्यूनल की बॉडी जो इस वक्त तुम देख रहे हो ये सिर्फ तुम्हारी रियलिटी में नहीं बल्कि हर रियलिटी के अंदर इसी तरह पड़ी हुई है। लिविंग ट्राइब्यूनल का कुछ हिस्सा जो है हर रियलिटी के अंदर गिरा हुआ है मर के। तो इससे हमारी तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि लिविंग ट्राइब्यूनल एक मल्टीवर्सल एंटिटी है, इसी वजह से जब उसकी मौत भी हुई तो वो हर एक यूनिवर्स के अंदर देखी गई, उसको महसूस किया गया। और इसी तरह जब लिविंग ट्राइब्यूनल मर जाता है तो उसके बाद वन अबव ऑल जो है हमारी इस यूनिवर्स के लिए एक नया लिविंग ट्राइब्यूनल को चुनते हैं, और वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स का एडम वॉर्लॉक होता है जिसको वन अबव ऑल वही सारी की सारी शक्तियां दे देता है जो कि अभी लिविंग ट्राइब्यूनल की हुआ करती थी, और इस तरह एक नया लिविंग ट्राइब्यूनल हमारे सामने आ जाता है। अब ये जो नया लिविंग ट्राइब्यूनल है इसको हमने अभी तक इतना कुछ करते हुए देखा नहीं है जितना हम पुराने लिविंग ट्राइब्यूनल से फेमिलर हैं, लेकिन ऑल दो ये भी जो है वन अबव ऑल के लिए ही काम करता है और ये सेम वैसा ही काम करेगा जिस तरह हमारा पुराना लिविंग ट्राइब्यूनल काम करता था। तो मेरे ख्याल से आपको शायद इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर लिविंग ट्राइब्यूनल जो ओरिजिनल था वो बहुत पहले ही मर चुका है, और अब हम जिस लिविंग ट्राइब्यूनल को देखते हैं वो सेकंड लिविंग ट्राइब्यूनल है। तो अगर हम अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर नजर डालें और इसमें जो सोचें कि लिविंग ट्राइब्यूनल कहाँ पे हो सकता है या फिर इसको कहाँ होना चाहिए था, तो जैसा कि 2016 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि बैरन मोडो जो होता है वो एक स्टाफ को वील्ड किया होता है जिसको वो नाम लेके बताता है ये स्टाफ ऑफ द लिविंग ट्राइब्यूनल है। तो यहाँ हमें सबसे पहला रेफरेंस मिला था लिविंग ट्राइब्यूनल के एमसीयू के अंदर होने का। इसके अलावा एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी के जो स्क्रीन राइटर्स हैं क्रिस्टोफर मार्कस
और स्टीवन मैकफीली, उन लोगों ने इस बात को रिवील करा था 2019 के अंदर सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर कि लिविंग ट्रिब्यूनल को ओरिजिनली प्लान किया गया था इन्फिनिटी वॉर में अपीयर होने के लिए, कि वो थैनोस के सामने आता, उसको जज करता जो भी क्राइम्स उसने उस यूनिवर्स के अंदर कमिट किए हैं। लेकिन फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे के लिए रद्द कर दिया गया। तो मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी इतनी बड़ी मूवी से लिविंग ट्रिब्यूनल को क्यों हटाने का सोचा। अगर लिविंग ट्रिब्यूनल और थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ उसका सामना करता तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और देखने वाली चीज़ होती। लेकिन आई होप कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लिविंग ट्रिब्यूनल को बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। और इसके ज़्यादातर चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इनटू द मैडनेस दिख रहे हैं, क्योंकि हम उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसमें मैजिक का जो है अब्यूज़ करेगी वांडा और मैक्सिमॉफ, और लिविंग ट्रिब्यूनल तभी सामने आता है जब मैजिक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है एक बड़े लेवल के ऊपर। इसके अलावा जो उसका दूसरा अपीयरेंस हो सकता है वो मेरे हिसाब से थॉर 4 के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम गॉड द गॉड बुचर को देखेंगे जो कि इस यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे गॉड्स का काम तमाम करेगा। और जब सारे के सारे गॉड्स यूनिवर्स से मारे जाएंगे तो एक कॉस्मिक बैलेंस कहीं ना कहीं जरूर बिगड़ेगा, और उसको इंटरफेयर करने के लिए शायद लिविंग ट्रिब्यूनल सामने हमारे आए। तो मैं इस बात की पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मार्वल यूनिवर्स के अंदर लिविंग ट्रिब्यूनल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके ताकि इसके बारे में हम और जान सकें। सो गाइज, विद डैट बीइंग सेड, हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और ये चीज़ें आपको शायद पहले ना भी पता हों। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के ऊपर हम एक लाइक टारगेट रख देते हैं जो कि 600 लाइक्स का है, और मैं जानता हूँ कि लिविंग ट्रिब्यूनल के खातिर आप लोग इसको पूरा कर ही देंगे। साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको लिविंग ट्रिब्यूनल का कैरेक्टर कैसा लगता है, और आप इसके बारे में अगर कोई भी और चीज़ जानना पसंद करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी लिविंग ट्रिब्यूनल के हवाले से नॉलेज हासिल कर सकें। और हाँ, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और इस तरह की वीडियोस देख के मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लो। हम अपने चैनल के ऊपर इस तरह की ऑसम वीडियो शेयर करते रहते हैं, उसके अलावा हम मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को भी शेयर कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स का अनलिमिटेड पैकेज हासिल करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं किसी और नो योर यूनिवर्स की वीडियो के साथ। Till then, thank you so much.